हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग भी अब तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ठंडक जो है बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे हमारे जो प्लाट में मैं आज पहली बार आई हूँ और यहाँ पे देखिए हाल अभी इतना शाम के 4 बजे होंगे लगभग घड़ी नहीं देखे हैं, अंदाजा मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आई थी तो यहाँ पे देख रहे हैं लहसुन पालक भी आ गया है। पालक ये लोग ले जाते थे, मैं नहीं आती थी, तो मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ इस तरह से है, देखिए पालक अच्छा लग रहा है और मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। सोच रही हूँ जो बड़ा बड़ा सा है उसको मैं एक एक करके निकाल लूँ। ताज़ी ताज़ी पालक घर की ना, उसका टेस्ट अलग होता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों के बाद आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, और मौसम ठंडा है और धूप भी मतलब हल्की हल्की सी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से, धनिया पहले ही से डाल दिए थे तो उसका ज़्यादा थोड़ा सा जो है लंबाई ज़्यादा हो गई है धनिया कम से कम। तो मुझे वहाँ से आते आते बहुत देर हो गया कि बहुत दिनों के बाद मैं प्लॉट पर निकली थी, तो कोई ना कोई मिल जाता था। तो थोड़ा थोड़ा करके बात करते करते मतलब काफ़ी शाम हो गया। तो फिर मैं आई सबसे पहले छत पे कपड़ा हटाने के लिए। तो ये मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग है और बस यहाँ पे झाड़ू तो मैंने लगा लिया है। और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट क्या कमेंट आ रहा था कि आप, वही रिक्वेस्ट ही हो गया। तो उसमें ये था कि क्लीनिंग का वीडियो डालिए, फॉर क्लीनिंग का। और एक तो है कि आप विलेज की तरह आप मतलब लाइफ स्टाइल या तो पोछा ओछा लगाइए, ये तो जो जैसे रहता है वैसे ही वीडियो ना बनाएगा, मतलब जैसे कि रहता है वैसे ही तो काम करेगा। अगर विलेज में होती तो विलेज की तरह होता हुआ, और या विलेज में नहीं होती इस तरह से कुछ। तो बस यहाँ पे पानी थोड़ा सा मैं डाली थी, तो मैंने सोचा कि उसको वाइपर से, बड़े वाले वाइपर से पहले खींच लूँगी, फिर उसके बाद या तो फिर खींचने के बाद आप पोछा लगाइए तब साफ़ होगा, या तो फिर छोटे वाले वाइपर से आराम से बैठ के आप उसको क्लीन कर लो। तो पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले बड़े वाले वाइपर से फटाफट से पानी खींच लूँगी। और पूरे घर की आज मैंने धुलाई कर रही है, क्योंकि जैसे कि बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो 2-3 दिन 4 दिन गैप भी हो जाता था। तो मैंने सोचा चलिए भैया सही से धुल लें। और अपने अपने आप को लगता था यार कि गंदा गंदा सा घर पड़ा हुआ है, और सच में मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी जब आपके पास है तो फिर तो उसी में रहना है, उसी में जे मतलब जीना है। तो बस यही कारण था जो कि मेरा घर गंदा गंदा सा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए 3-4 दिन का जो गंदगी है वो एक साथ ही मैंने निकाल देनी है। तो बस यहाँ पे धुलाई कर दिए, कम से कम ये लाइट तो कर दिया, चमक तो गया, इसका दुख ख़त्म हो गया, इसका जो पीड़ा थी। और इसके साथ साथ मुझे भी बहुत पीड़ा थी भाई, क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा है। तो चलिए फटाफट से वाइपर कर लेते हैं, फिर तो हमें फिर से डबल वाइपर करना पड़ेगा ना, चाहे इसी से करें, चाहे पोछा सा करें, चाहे वाइपर खींचें। तो यहाँ पे पूरे पानी को हम आंगन में खींच देंगे। जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि मुझे 2 बार वाइपर करना पड़ेगा। पहली बार तो मतलब बड़े वाले वाइपर से करी, दूसरी बार मैं छोटे वाले वाइपर से करूँगी। तो इससे क्या दिखा, बड़े वाले से भी मैं फिर से खींच सकती थी, बट उससे ना क्या होता है, थोड़ा भी पानी गिरा रहता है तो चाहे मैं ही फिसल जाती, चाहे बच्चे फिसल जाते, चाहे कोई भी फिसल जाता,
तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। सोचती हूँ भैया अगर फिसल गए तो हड्डी उड्डी तो टूट ही जानी है, और अगर बिस्तर पे पड़ गए तब तो फिर तो और हो गया। आज के बीजी की लाइफ में कौन किसका करेगा, तो इससे और जो तकलीफ होगी वो तो होगी ही। इससे अच्छा भैया कि इसको क्लीन कर लो ना, क्लियर पानी खींच लो ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पे पानी हम इसको खींच लेंगे और घर मेरा जो है चमकने लगा है, अच्छा दिख रहा है मुझे, और आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि साफ साफ से लग रहा है घर ना साफ साफ। और कहते हैं ना कोई भी मेहनत कर लो, कोई भी काम कर लो तो उसको उसका फल जो है बहुत मीठा होता है। तो मैंने आधे में लगा लिया है, जहाँ तक मेरा लॉबी है यहाँ तक मैं लगा ली हूँ। तो आगे कमरे में, गैलरी में और आगे पोच, ये तीन बचे हुए हैं। और सीढ़ी पे तो नहीं भूलूँगी, सीढ़ी पे पोछा रख के आई हूँ, सीढ़ी पे पोछा लगाऊँगी, क्योंकि आज का ये ब्लॉग है संडे का। और आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को आपको पता ही है। आलू की कचौरी बना रही हूँ, और आलू की कचौरी जो है ये देखिए कितनी फूली फूली सी आ रही है ना, और ये देखिए आप देख सकते हैं ना कि कचौरी कितनी फूली सी थोड़ी पक रही है। आवाज जा रही होगी कड़ाई मतलब सनसन की। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कचौरी मैंने निकाला है गर्मा गर्म, और अभी जो मैं कचौड़ी बनाई हूँ उसको मैं पलट रही हूँ। और सच में बताऊँ कि जो मैं कह रही हूँ तो एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरह से चिट्ठी बनाना तो जानते ही हैं, चिट्ठी कैसे बनाई जाती है आलू की। तो चलिए बाकी जो भी बचे हैं, तो दो और बचा है उसको भी हम बना लें। हाँ आपको फिर से लोई दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए अभी इसमें पिट्ठी नहीं डाली हूँ। देखिए सोच रहे हैं बर्तन है कुछ पड़ा है सिंक के, तो इसको ख़त्म कर लूँ। देखिए वैसे भी मैं जानते हैं, ये देखिए कचौड़ी मैंने निकाला है गर्मा गर्म, आप लोग खाइए लग रहा है ना गर्म गर्म। ये देख लीजिए इसमें भाप भी निकल रहा है, और यहाँ पे ये भी कचौड़ी बंद की गई है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। क्या गर्मा गर्म यार कचौड़ी बनी है, ये लो फूली फूली सी। ये जो लास्ट वाली है तो थोड़ा सा गैस हमने बंद कर दिया है, अभी जो है घी बिना खाए ही लग रहा है, अभी घी गर्म है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और पक जाए। ये देखिए ये तीन मैं डाली थी जिसमें से दो मैं निकाल ली हूँ, लास्ट बचा हुआ है। और यार गर्मा गर्म कचौड़ी हो या पूड़ी हो मज़ा बहुत आती है, क्योंकि मैं ठंडी पूड़ी कचौड़ी नहीं खा पाती हूँ, लेकिन बनाते बनाते गर्म ठंडा हो जाता है। तो आज मैं गर्मा गर्म खाने वाली हूँ, और आप लोग भी खाएंगे मेरे साथ। तो ये देखिए मैंने तीनों निकाल लिया है, और आप लोग भी खाइए, पहले जाए भगवान जी को भोग लगा दें ठीक। और मैंने क्या रखा था, मैं रखी थी मूली की पत्ती, तो मैं सोची थी उसकी कटिंग करूँगी, ये थोड़ी सी भीगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूली, और कट नहीं करने वाली हूँ आज, ऐसे ही कट कट के खाऊंगी बचपन की तरह, जैसे बचपन में कट कट से करते थे हम लोग ना, कट नहीं करते थे मतलब सलाद उलाद नहीं कट करते थे, अच्छा लगता है। तो बस सलाद इसका नहीं कट करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या रखी थी, ये है मूली के पत्ते को मैंने रखा था इसका सलाद बनाने के लिए, टमाटर मूली कट करके थोड़ा सा मिर्च डाल के, और क्या बात है टेस्टी सी बनती सलाद। लेकिन हालांकि मुझे भी गरम गरम पूड़ी खाना है, तो और अचार उचार कुछ लेंगे आज। तो ये देखिए तीनों रखते हैं ना, खा तो लेंगे ही क्योंकि वाली लगी है ना,
और आप लोग भी खाइएगा, ठीक है। और कुछ नहीं ले रहे हैं, देखिए मूली लिए हैं और ये इसमें मेरे से पर्याप्त है, तीखा तीखा सा रहेगा। अचार की कोई ज़रूरत नहीं है, चटनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं वैसे भी भगवान जी को भोग लगा दी हूँ और गर्मा गर्म खा के जरूर बताइएगा। और वैसे सभी को आलू की कचौरी अच्छी लगती होगी, बहुत कम ही लोग होंगे जिसे आलू की कचौरी नहीं पसंद होगी। और दूसरा क्या है, जैसा कि जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनको पसंद तो होगी, बट वो सोचते होंगे यार खाऊँ ना खाऊँ, खाऊँ ना खाऊँ, क्या करे आदमी, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करे, जीभ है जो कि मानती नहीं है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। लेकिन क्या किया जाए, आपके सामने अगर कोई चीज़ बना हो और घर वाले सब लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं जो मतलब पेशेंट हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है ना, और घर वालों को भी तकलीफ़ होती है। वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब एकदम टेस्टी यार, तुरंत मैं बिल्कुल भी मैं वेट नहीं करी, बस कढ़ाई से निकाली, श्रेया को मैं पहले दे दी थी, फिर मैं लेके चली आई, सब लोगों को गर्मा गर्म दे दी थी, मतलब लास्ट में मेरा था और मैंने लेके अपना आ गई। और यहाँ पे श्रेया टीवी देख रही हैं, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।